अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्षमा कर दो माँ, क्षमा। देवी मैया, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। पंडित जी, अभी मुहूर्त में हमारे पास आधा घंटे का समय है ना? हाँ बेटा। तो बस हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। भाती जी, की गलती हमसे हुई है ना, तो इसे सुधारने का एक मौका दे दीजिए। हम ये चुनरी सही करके ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं राधिका, ये तुम्हारे किचन का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम ऐसे दो मिनट में सॉल्व कर दोगी। चीजें सही करने जाओगी बिगाड़ कर लेके आओगी। दिव्यम जी, अब इससे साथ और क्या बिगड़ेगा, हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। हम बस अभी आते। पता नहीं क्या खुराफात चलती रहती है गोलमुखी के दिमाग में। माँ, ना भी आया। जी शर्मा जी। हमारा झुमका। हे भगवान, किसी ने झुमका और धागा देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। माँ, कहाँ जा रही हो? वो मुन्ना, हमें तुम्हारे पापा से पूजा के लिए कुछ बातें करनी थी। हम बस अभी आते हैं। हाँ, तब तक तुम दादी को संभालो। कैसे भी करके झुमका वापस लेना ही होगा। उसमें क्या है? होल्ड कीजिए। सुजाता, क्या कर रही हो? जी हाँ, हम आपके पैर जो के आशीर्वाद लेने आए थे। आप आज के दिन पति का आशीर्वाद लेना चाहिए ना जी। वैसे तो करवा चौथ के अलावा तुमने कभी आशीर्वाद नहीं लिया मुझसे, तो आज क्या हो गया? पैरों की चोट का असर दिमाग पे हो गया है क्या? आशीर्वाद ले ले। हाँ ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो, और अपना ध्यान रखो, चोट वोट ना लगा लेना, वरना खाम का मुझे अफसोस होगा कि मेरी वजह से चोट लग गई। अब जाओ पूजा अटेंड करो, जाओ। जी। अब जो हमें सिर्फ 20 मिनट रह गए, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। जी जी माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम पर
पूरा भरोसा था, ये सब तुमने किया है। नहीं, माँ। बिल्कुल। तुमने राधिका को कोई जिम्मेदारी ही नहीं सिखाई, इसीलिए तो वो इतनी लापरवाह है। हमें तो लगा था माँ को सब पता चल गया। देखो सुजाता, राधिका तुम्हारी बहू है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम उसे सिखाओ, ताकि वो अपनी गलतियां फिर से ना दोहराए। समझ रही हो? जी माँ, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। पता नहीं पूजा कैसे होगी आज। 5 मिनट रह गए हैं सुजाता, देखती हूँ। बहुत देर हो रही है, हमें जल्दी करना होगा। इसी को ढूंढ रही थी ना तुम सुजाता? इसी के पीछे पीछे तुम देवर जी के पास गई थी, है ना? इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी तो जरा देखूं। ये तो चुनरी का धागा है सुजाता। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धारा है। वाह सुजाता, मान गए, तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे निकली। माता रानी के दिन को भी नहीं छोड़ा तुमने, पाप का तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है ना सुजाता? भाभी, आप हमारे पाप और पुण्य की परिभाषा बताना हमें बंद कीजिए, और आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब रखिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके पाप का घड़ा भी फूटने की कगार पर है। हो गया तुम्हारा, अब मैं बोलू? ये लो तुम्हारा झुमका, लो। शुक्र मनाओ ये मेरे हाथ लगा है। किसी और के हाथ लगता ना तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। बहन जी, पूजा का मुहूर्त आरंभ होने में सिर्फ एक ही मिनट बाकी है, इसलिए अब हम बिना नई चुनरी के पूजा शुरू करेंगे। इस फूल के लिए हम माता रानी से क्षमा मांगते हैं और पुरानी चुनरी से पूजा शुरू करते हैं। देख लिया मम्मी जी, आज आपकी प्यारी राधिका बहू की वजह से पुरानी चुनरी से ही माता रानी की पूजा होगी। अब आप बताइए। पंडित जी, हम पुरानी चुनरी लेकर आते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी जी। दादी जी, हमने चुनरी सही कर दी है, अब आप इसे माता रानी को चढ़ा सकती हैं। बातों में स्वाद हो तो जीना खुश
अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। दादी जी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उसके लिए आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और ये चुनरी प्लीज स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इसे सही करने के लिए हमने रेशम की मौली का इस्तेमाल किया था जो पहले से ही पूजा की थाल में थी। इसका मतलब ये है कि उसमें भी माता रानी का आशीर्वाद था। माता रानी की पूजा आरंभ कीजिए। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। जग्गू सुजाता, चलो आओ, तुम दोनों आरती करो। अरे वाह, शायद देवी माँ की यही इच्छा है कि इस बार उनकी पूजा अर्चना कोई नया जोड़ा करे। माता रानी ने इस नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया है। फिर तो माता रानी की इच्छा अनुसार राधिका और दिव्यम ही मैया की आरती करेंगे, है ना माँ? बिल्कुल, जाओ बेटा। हमारे परिवार को हर विपदा से बचा के रखना माँ, हमारा और दिव्यम जी का साथ हमेशा बनाए रखना और हमारी माँ जी के पैर जल्दी से ठीक कर देना। बोलंबे मात की जय, बोल दुर्गे मात की जय, बोल साचे दरबार की जय। सुजाता, और करो माता रानी का तिरस्कार, आरती भी नहीं करने दी उन्होंने तुम्हें, पाप चढ़ गया ना। जरा उंगलियों को हिलाने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है मुन्ना, नहीं हो रहा है डॉक्टर, हमसे कैसे नहीं हो पा रहा? कोशिश कीजिए, आपका ये हाथ मेरे कंधे पे रखिए और उठने की कोशिश कीजिए। मुन्ना, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, हमसे नहीं हो पाएगा। कोशिश करनी पड़ेगी ना माँ, चलो कोशिश करो, कम। यस यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड माँ, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नहीं हो पा रहा हमसे मुन्ना, बहुत दर्द हो रहा। तेरी बीवी ने हमारे साथ क्या किया है, अब अपना पैर हिला तक नहीं पा रहे, तो हम चल कैसे पाएंगे? वाह, क्या एक्टिंग करती है सुजाता, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर, माँ का पैर ठीक क्यों नहीं हो रहा? इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी दवाइयाँ, इतनी एक्सरसाइजेस के बाद भी कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा? दिव्यम जी आइए सर। वाह। देखिए, आपकी माँ के पैरों में हलचल है, बस
कोई एक चीज उनको चढ़ने से रोक रही है। क्या? उनकी इच्छा शक्ति, जो कि उनको कमजोर बना रही है। वो चलने से भी मन ही मन घबरा रही है, बुरी तरह से हार मान चुकी है। अगर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को नहीं जगाया ना, तो मुझे डर है मिस्टर दिव्यम कि वो आगे कभी नहीं चल पाएंगी। हम माजी की किसी भी तरीके से मदद तो नहीं कर पा रहे, से कम उन्हें प्रोत्साहित तो कर ही सकते हैं। हे माता रानी, हमें बस इतनी हिम्मत दीजिए कि हम माजी की इच्छा शक्ति को बढ़ा पाए। माता रानी का भजन है, देखिए ऐसे। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो दादी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो। राधिका बंद करो ये भजन गाना, में नहीं सुनना। माजी, आपको तो माता रानी के भजन सुनने चाहिए। आपको पता है माता रानी के भजन में कितनी ज्यादा शक्ति होती है? आप इसे सुनेंगी ना तो आपको और आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी, और आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी और आपको मनोबल मिलेगा। ये माता की चुनरी बांध देते हैं। जय माता दी, जय माता दी, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। माजी, जय माता दी, जय माता दी। माजी, माजी, आप सुनिए तो हमारी बात तो सुनिए। माजी, आप एक बार उठ के चलने की कोशिश तो कीजिए। नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं माँ जी, कुछ भी अशुभ नहीं होगा, हमें पूरा यकीन है। माता रानी ना आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाएंगी। आप उठिए तो, आप व्हील चेयर तक खुद जा सकती हैं। माँ जी उठिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो तुमने। बस करो, नहीं सुनना मेरे को भी भजन अजन गाना आना। जो तुम लोग यहाँ से, राधिका तुम ना एक काम करो, तुम ना दो चार दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। क्या पता तुम्हारे जाते ही हमारा आत्मविश्वास फिर से जाग जाए और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए, हम ठीक हो जाए। अभी के लिए जाओ यहाँ से। राधिका, अब चाची की बात का बुरा मत मानो। नहीं नहीं गोलू भैया, हमने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, तो इस बात के लिए उदास है कि माची व्हील चेयर पे बैठे बैठे कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है। हम जानते हैं माची ने जो कुछ भी कहा है वो दिल से नहीं कहा है। माची तो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और हम भी माजी के लिए ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, आप देखना गोलू भैया, माता रानी की मदद से ना हम माजी की इच्छा शक्ति बढ़ाकर ही रहेंगे। माजी चलेंगी और सब देखेंगे। जरूर ऐसा ही होगा। जय माता दी, जय माता दी। हम जाते। नमस्ते मेरे सारे दर्शकों को, आज मैं वंशिका सिंह इच्छा शक्ति यानी कि आत्मविश्वास पर बात करने आई हूँ। आप अपनी इच्छा सृष्टि में जाहिर कर दीजिए, फिर देखिए जो काम आप नहीं कर पाएंगे वो सृष्टि आपके लिए कर देगी। हमारा यकीन कीजिए, ये जो सृष्टि का जादू है वो बहुत काम करता है। लगता है माजी का गरबा खेलने का मन है, हम इस बात का प्रण लेते हैं, उन्हें गरबा खेलने के लायक बनाकर ही रहेंगे। भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। माँ जी, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? भूख लगी है क्या आपको? ये लीजिए, बादाम खाइए।
माँ जी, सृष्टि ना सब ठीक कर देगी, आप सृष्टि पर भरोसा रखिए। क्या? हाँ माँ जी, आप जो चाहती है ना वो सृष्टि को बताइए। माँ जी, हमारी बात तो सुनिए, लाइए ये हम कर देते। माँ जी, अगर आप सृष्टि पर विश्वास रखकर अपनी चलने की इच्छा जाहिर करेंगी ना, तो सृष्टि आपको चलने में जरूर मदद करेगी। माँ जी, हमारी बात पर भरोसा तो रखिए, रुकिए, हम देते हैं आपको। माँ जी, हम जानते हैं अभी आपको सृष्टि पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है सृष्टि पर, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। सृष्टि 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 सृष्टि, कौन है ये सृष्टि? माँ जी, सृष्टि मतलब यूनिवर्स। राधिको, माँ जी आपको अपनी बात ना सृष्टि तक पहुँचानी होगी, फिर सब चीजें ना उन पर छोड़ दीजिए। आप एक बार भरोसा तो करके देखिए, माँ जी सृष्टि आपकी जरूर सुनेगी, हमने ना एक वीडियो में देखा था। माँ जी माँ जी माँ जी, हमारी बात पर एक बार विश्वास तो कीजिए, सृष्टि आपके साथ है। आई आई आराम। माँ जी माँ जी, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। माँ जी पहले जो रखिए। राधिका, क्या कर रही हो राधिका तुम? जी हम तो बस माँ जी को प्रोत्साहित कर रहे थे। क्या प्रोत्साहित राधिका? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि माँ के पैर में दर्द हो रहा है? तुमसे कह रहा हूँ मैं कि अपनी डॉक्टरी को साइड में रख दो। जी हम तो बस माँ जी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कर ली ना कोशिश, और माँ का पैर पकड़ के क्या कोशिश कर रही हो तुम? वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम से आ गया, वरना पता नहीं क्या ही कर लेती तुम। हाँ मुन्ना, बचा हमें इस राधिका से। पता नहीं ये आजकल क्या क्या नया नया कर रही है हमारे साथ। अरे पहले वो भजन गाते हुए आ गई, हमें डांस कराने की कोशिश करने लगी, इसके बाद अब पता नहीं क्या नए नए वीडियो देख करके कौन से नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रही है हमारे ऊपर। मैं बहुत तकलीफ हो रही है मुन्ना, हमारा पैर पहले ही खराब कर दिया है इसने, अब अगर ये हमारे सामने नहीं ना तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। सॉरी माँ जी, हम तो बस। तुम तो बस रहने दो राधिका, चलो। हम लूजर नहीं है, लूजर तो ये राधिका ही होगी। हमें ऐसा क्यों लगा कि माँ जी ने उठने की कोशिश की? लगता है सृष्टि उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, अब हम हार नहीं मानेंगे। थैंक यू भैया। माँ जी का गरबा करने का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। माँ, मैं राधिका की तरह आपको अजीबोगरीब तरीकों से मोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन चलने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। वरना हम क्या करें? हमें बहुत दर्द होता है पैर में, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना बेटा। मैं जानता हूँ माँ आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ी और ट्राई करते हैं प्लीज। ठीक है, सिर्फ तेरे लिए। कम ऑन माँ, एकदम अच्छे से। वेरी नाइस, वेरी गुड, 3 2 1 गो। वेरी गुड, वेरी गुड माँ, कम ऑन, ट्राई करो, ट्राई करो। वेरी नाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड माँ, वेरी गुड। नहीं हो रहा है मुन्ना, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, हमसे नहीं उठा जा रहा। हो पाएगा माँ, आप स्ट्रॉन्ग हो एकदम, सुजाता बंसल, कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड मॉम, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। नहीं हो रहा है बेटा, बहुत दर्द होता है पैर में, ऐसा लगता है मैं कि हम गिर जाएंगे। कितना नाटक कर रही है दिव्यम जी। ये माँ जी की मदद करेगा चलने में। राधिका बहू, ये क्या तुम नया लाई हो? एक मिनट। Thank you.
छड़ी। हमारी कोई उम्र है ये छड़ी के सहारे चलने की? नहीं नहीं माँ जी, ये तो बस अभी के लिए है, ताकि आपको सहारा मिले। राधिका, माँ खड़ी नहीं हो पा रही, तुम छड़ी लेकर आई, ले जाओ इसे यहाँ से। रुको राधिका। लाओ मुझे दो। सुजाता, अगर कोशिश नहीं करोगी तो कैसे चल पाओगी? हम कोशिश कर तो रहे हैं ना जी। लगता तो नहीं है कि तुम कोशिश कर रही हो। इतने दिन हो गए सुजाता, तुम्हारा प्लास्टर कट चुका है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुमने खुद से अपने पैरों की एक्सरसाइज की हो। चुप। ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ बैठना ही चाहती हो। सच बताओ सुजाता, तुम काम से बचने के लिए ये नाटक तो नहीं कर रही हो? दादी, इसमें नाटक क्या? और आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? घर का कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, माँ हमेशा आगे रहती है। दिव्यम बेटा, एक मिनट। सुजाता, जब से तुम ऐसे बैठ गई हो ना, तब से मम्मी जी मुझसे घर का सारा काम करवा रही है। मैं भी अब थक गई हूँ, मैं भी बैठ जाऊंगी। उठो और चुप रहो, एक ढेले का काम नहीं होता है तुमसे। और सुजाता, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें खुद पे मेहनत करनी होगी ना। देखो ना, दिव्यम और राधिका कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें पूरे दिल से कोशिश करनी होगी ताकि तुम चल सको। हाँ हाँ सुजाता, कोशिश करना तो बनता ही है। सुजाता सुजाता सुजाता, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, दीजिए छड़ी। सुजाता, दिव्य पकड़ो। रुको, अभी माता रानी की पूजा का समय हो गया है, उसके बाद कोशिश करना, ठीक है? जी माँ। इस राधिका को तो हम छोड़ेंगे नहीं। से प्रैक्टिस करवाने का टाइम हो गया है, उनको जाके देख लेता हूं। माँ, मुन्ना, क्या हुआ बेटा? कहाँ थी आप माँ? हम तो पानी पीने गए थे। चलो, आपके स्टिक से प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया। ये छड़ी को कस के और एकदम मजबूती से पकड़िए, ठीक है? और फिर उठने की कोशिश कीजिए। हे माता रानी, माँ जी को शक्ति दीजिए। शाबाश, हिम्मत करो थोड़ी। कम ऑन कम ऑन, तुम कर सकती हो, बस कोशिश करो। नहीं हो रहा है हमसे। कुछ नहीं होगा, आप कोशिश तो करो उठेगी। राधिका बहू ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए छड़ी मंगवाई है, तो कोशिश तो करनी होगी ना। चलो सुजाता, उठ जाओ। चलो माँ, चलो जल्दी। वेरी गुड माँ, वेरी गुड।
शाबाश शाबाश, हिम्मत करो हिम्मत करो। वेरी गुड माँ, बस एक कदम और चलने की कोशिश कीजिए। लगी तो नहीं माँ? हे भगवान, देखिए ये कैसी सस्ती छड़ी मंगवाई थी तुमने कि 2 मिनट में ये टूट गई। सुजाता की टांग तो पहले से टूटी हुई थी, अभी आग भी फूट जाती। नहीं नहीं ताईजी, हमने तो सागवान की लकड़ी की छड़ी मंगाई थी, वो तो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। देख ली तुमने कितनी मजबूत है, देखा है कितनी मजबूत है। एक बात कान खोल कर सुन लो, खुद को और अपने आइडियाज को मेरी माँ से दूर रखो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो पता नहीं अब मैं और कितना शांत रह सकता हूँ, समझी तुम? अपने फालतू तरीके आजमाना बंद कर दो माँ को मोटिवेट करने के लिए। अब ना तो तुम उन्हें फालतू वीडियोस दिखाओगी, ना ही फालतू की हरकतें करोगी उन्हें ठीक करने के लिए, समझी तुम? आप सब लोग सुन लो, अब जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर करेंगे, और राधिका तुम डॉक्टर और वैद्य बनने की जरूरत नहीं है, समझी? राधिका बेटा, हमें ऐसी ऑनलाइन चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें खुद जाके चेक करनी चाहिए थी लकड़ी मजबूत है कि नहीं, अभी सुजाता को चोट लग सकती थी। और हाँ राधिका बहू, आगे से छड़ी मंगवाना हो तो पहले खुद का भार उसके ऊपर डालकर देख लेना, उसी से उसकी मजबूती समझ में आ जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? मुन्ना, हमें बाहर गार्डन में ले जा, हमारा यहाँ दम घुट रहा है। चलो मन अति सुंदर, सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।